अब हम सिंगल uh, व्यू पे आते हैं पोस्ट टेक्सोनॉमीज और कस्टम पोस्ट टाइप का उसके लिए सबसे पहले मैं एक दफ़ा एक कस्टम पोस्ट टाइप और एक कस्टम टेक्सॉनॉमी क्रिएट भी कर लेता हूँ प्लग इन्स में एड न्यू सॉरी नॉट अपलोड सी पी टी यू आई अभी मैं सिर्फ सी पी टी क्रिएट करूँगा एक्टिवेट कर लेते हैं अब हम इसमें एक नई पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे का नाम हम दे देते हैं ब्रांड्स का स्लग सॉरी ब्रांड्स होगा प्लूरल लेबल ब्रांड्स होगा सिंगलर लेबल ब्रांड होगा और अब हम ये सारे जो लेबल्स हैं ये ऑटो पॉपुलेट कर लेते हैं या माई ब्रांड्स की जगह ब्रांड्स रख लेते हैं ऑल ब्रांड्स और एड न्यू एंड ठीक है ये सारे लेबल्स आई थिंक बिल्कुल सेट होने चाहिए और पब्लिक ट्रू पब्लिकली पब्लिकलीबल ट्रू इसकी यू आई भी दिखानी है नेविगेशन मेन्यू में भी इसे दिखाना है डिलीट विद यूज़र नहीं रेस्ट ए पी आई में दिखाने की ज़रूरत है ठीक है डिफॉल्ट ही रखते हैंज़ आर यस मैं चाहता हूँ कि ब्रांड्स का अपना एक आर्काइव भी हो और इसका वही स्लैश ब्रांड्स डिफॉल्ट हो है वही हो सर्च में भी दिखाया जाए कैपेबिलिटी टाइप में ठीक है पोस्ट जैसा ही ठीक है हायर आर्कल फॉल्स हाँ री राइट इसका स्लग लिखा जाएगा ठीक है विद फ्रंट फॉल्स वेरी वार ट्रू कस्टम स्लग नहीं चाहिए मेन्यू पोजिशन जो है वो इसकी हम सिक्स रख लेते हैं और शो इन मैन ट्रू मेन्यू आइकॉन मैं अभी से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई ब्रांड्स के लिए कौन सा आइकॉन अच्छा लगेगा लेट्स सी यहाँ दे वॉज अ रियली नाइस ब्रांड्स रिलेटेड आइकन ये हमें बैक एंड में दिखाया जाएगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा Uh, ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो uh, लेकिन आई लाइक like के जो आइकन साइट पे यूज़ हों वो जिस हद तक रेलेवेंट हो सकें उतना बेहतर है तो ब्रांड्स के लिए ये तो स्टोर का आइकन है आल जस्ट गो विद दिस वन फॉर नाउ ये वैसे तो कंपनी के लिए बेहतर रहता लेकिन ठीक है ब्रांड्स भी कंपनी से आम तौर ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं तो ये डैशिकन्स डैश बिल्डिंग ये मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इसके मेन्यू आइकन के लिए और इसे इस पोस्ट टाइप को मैं टैग्स भी अप्लाई करना चाहता हूँ टैग्स मैं चाहता हूँ हमारी साइट पे यूनिवर्सल हों और इसके लिए अपनी एक टेक्सोनोमी मैं क्रिएट करूँगा जो ब्रांड कैटेगरीज़ होगी लेकिन जो टैग्स हैं वो तकरीबन हर कंटेंट टाइप पे आएंगे तो ये देखें पोस्ट के नीचे ब्रांड्स आ गए और इसमें टैग्स मौजूद हैं अब एक मैं टेक्सोनोमी भी क्रिएट कर लेता हूँ ब्रांड कैटेगरीज़ ब्रांड कैटेगरीज ब्रांड कैटेगरी और बाकी इसके लेबल्स सारे पॉपुलेट कर लेते हैं अच्छा प्रोडक्ट कैटेगरीज़ भी जिस तरह से सेटअप हुई हैं मैं चाहता हूँ ये उसी तरह सेटअप हों सो प्रोडक्ट्स में लेट मी क्विकली सी कैटेगरीज इज़ प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट ठीक है तो मैं इसे इसके स्लग को ब्रांड अंडरस्कोर कैट रख लेता हूँ ताकि एक स्टैंडर्डाइज तरीक़ा इस्तेमाल होता रहे अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ इसकी सेटिंग्स पब्लिक ठीक है पब्लिकली पब्लिकलीवेबल हायर आर्कल ठीक है हायर हम ट्रू कर लेते हैं और क्योंकि कैटेगरी टाइप है यू आई शो इन मेन्यू शो इन नैव मेन्यू क्वेरी वार री राइट येस विथ फ्रंट फॉल्स हायर आर्टिकल ठीक है ट्रू और एडमिन कॉलम्स ट्रू ये सब चीज़ें आप पहले देख चुके हैं इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नया बताने के लिए नहीं है हाँ एक पोस्ट टाइप के साथ इसे हमने एसोसिएट करना है यस और वो है ब्रांड्स तो प्रोडक्ट्स को भी हम ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं इनफैक्ट यस ये टेक्सोनमी प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई हो जाएगी तो जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तब भी हमने ब्रांड उसका अगर चाहें तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं सॉरी uh, उसे ब्रांड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं यानी एक ही टेक्सोनॉमी में एक प्रोडक्ट भी अप्लाई एक ही uh, taxonomy, एक प्रोडक्ट को भी एक ब्रांड को भी अप्लाई हुई है तो उनकी लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स और ब्रांड शेयर्ड शो होंगे यू विल सी दिस जब मैं इस पर एक्चुअल काम करूँगा अच्छा so, सो अब हम नेक्स्ट uh, इस टेक्सॉनि uh, में सॉरी इस ब्रांड में हम कोई एड कर लेते हैं पोस्ट एक नए ब्रांड्स एड कर लेते हैं प्ले uh, जो वीडियो गेमिंग से रिलेटेड सेक्शन है उसमें रेलेवेंट ब्रांड्स होंगे निंटेंडो और पब्लिश यहाँ मैं कुछ uh, इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ इसी भी अपनी साइट पे मौजूद पोस्ट के टेक्स्ट में से थोड़ा बहुत और इसकी सेटिंग्स में इसे कुछ टैग्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड कैटेगरीज हम एक नई कैटेगरी दे देते हैं और ये है प्ले uh, की कैटेगरी का ब्रांड इनफैक्ट इस तरह कैटेगरीज डुप्लीकेट होने का डर है ठीक है फिलहाल के लिए सही है ये प्ले की कैटेगरी का ब्रांड है ऐसे अपडेट कर लेते हैं और टैग्स फ़िलहाल में से नहीं दे रहा या एक दो टैग्स दे देता हूँ सी uh, हमारे कोई एग्जिस्टिंग टैग्स क्या थे उनमें से देख के कोई टैग देना पड़ेगा hmm. या रेट्रो ठीक है और कॉमोडोर ठीक है अभी तो मैं रैंडमली टैग्स दे रहा हूँ अपडेट हो गया वापस आते हैं एक और ब्रांड ऐड कर लेते हैं सोनी और यहाँ पे इनफैक्ट मैं टैग्स की लिस्ट देख लूँ ताकि ये वाली ख्वारी ना करनी पड़े बार बार तो टैग्स पे आते हैं देखते हैं क्या क्या मौजूद है उसमें से रैंडमली कुछ अप्लाई कर देते हैं अम। गेमिंग और हिट और मॉडर्न ठीक है इसके टेक्स्ट के लिए भी मैं यहाँ से एक और लाइन कॉपी कर लेता हूँ पब्लिश तो हमारे दो ब्रांड्स पब्लिश हो गए आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए आई थिंक एक और ब्रांड ऐड कर लेता हूँ ये हम रख लेते हैं सोनी हो गया निन्टेंडो हो गया और अभी माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं इसके लिए भी यहाँ से एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ और लास्टली uh, यहाँ पे भी हम कैटेगरी सेट कर लेते हैं पहले टैग्स अप्लाई कर लेते हैं एक्चुअली गेमिंग और फैंटेसी ये दो टैग्स इसे अभी दे, दे देता हूँ और कैटेगरी इसकी हमने शायद सेट नहीं की थी लेट्स सी ब्रांड कैटेगरीज़ में हमारे पास क्या क्या है ओ अभी तक हमने ब्रांड कैटेगरीज वो सेव ही नहीं की थी आई थिंक ऐड न्यू ब्रांड कैटेगरी करते हैं यहाँ हम इसे कर लेते हैं हम प्ले ऐड हो गई अपडेट करते हैं अब बाक़ी दो पे भी हमें uh, वो प्ले अप्लाई करनी पड़ेगी लेकिन उसे हम इजीली यहाँ से क्विक एडिट करके कर सकते हैं क्विक एडिट में ये कैटेगरी नहीं आ रही टैग्स आ रहे हैं फॉर सम रीज़न ओके उसके लिए भी हम वापस सी पी टी यू आई में आके वो चीज़ें सेट कर सकते हैं शो इन क्विक एडिट के लिए हमें आई थिंक एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी हम ये टेक्सोनॉमी एडिट करेंगे जो अभी हमने सेटअप की थी एडिट टेक्सोनिज में आके ब्रांड कैटेगरीज और इसकी ऑप्शनस में हम शो इन क्विक बल्क एडिट थ्रू सेव अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं और क्विक एडिट प्ले अपडेट इसे भी क्विक एडिट या प्ले ऐड करके अपडेट और आई थिंक गेमिंग का टैग जो है वो इस पे भी अप्लाई कर देना चाहिए अपडेट अभी मेन्यूज में हम एक आइटम ऐड भी कर लेते हैं ब्रांड्स के लिए अपियरेंसेज मेन्यूज मैगजीन शॉप और साथ में यहाँ हमारा एक आइटम आना चाहिए ब्रांड्स के नाम से तो कस्टम लिंक यूआरएल होना चाहिए बल्कि स्लैश ब्रांड्स और लिंक टेक्स्ट ब्रांड्स स्लैश ब्रांड स्लैश में इससे पहले हमारी साइट का यूआरएल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाना चाहिए जो https डी टी पी एस कोलन डबल स्लैश एच क्यू डॉट टूडे है सेव करते हैं और अपनी साइट को रीलोड करके देखते हैं मैगज़ीन ब्रांड्स और शॉप और ब्रांड्स पे अगर हम क्लिक करें तो हम ब्रांड्स की आ, उस पर लिस्टिंग पे आ जाएंगे वो कस्टम पोस्ट टाइप का आर्काइव है ब्रांड्स का ये आर्काइव है तो इस आर्काइव को भी अभी हम बिल्ड करेंगे मैंने ये आर्काइव ऐड ही ये कस्टम पोस्ट टाइप ऐड ही इसलिए किया ताकि आपको इसका आर्काइव बिल्ड करना सिखा सकूं उससे पहले मैं जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट सोनी और निटेंडो के लोगोस अपलोड कर लूं लोगोस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं अब मैं ये लोगोस यहाँ पे ऐड करता हूँ मैन्यूज़ को क्लोज कर लेते हैं और हम अपने ब्रांड्स की लिस्ट पर वापस आते हैं यहाँ इन तीनों को मैं एडिट कर लेता हूँ और ताकि जल्दी जल्दी मैं इन तीनों के फीचर डमेज के तौर पे वो लोगोज इस्तेमाल कर सकूँ इमेज, सेलेक्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट लोगो सोनी लोगो निटेंडो लोगो तीनों आ गए माइक्रोसॉफ्ट लोगो इसके लिए हम सेट कर देते हैं यहाँ हम सोनी लोगो सेट कर देंगे और लास्टली इसके लिए हम लोगो सेट कर देंगे इन्हें अपडेट करते हैं और ये तीनों ब्रांड्स हमारे फीचर डेमेज के साथ अपलोड हो गए अब इनका डिफॉल्ट आर्काइव देखते हैं तो यहां फीचर डेमेज भी दिखाया जाना चाहिए जो कि दिखाया जा रहा है ठीक है अब हमने इन ब्रांड्स का अपनी मर्जी का आर्काइव बिल्ड करना है तो वो कैसे करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स का आर्काइव बिल्ड किया हम वापस एलिमेंटर में थीम बिल्डर पे आ जाते हैं ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स का आर्काइव था आ, नहीं ये सॉरी ये टैग्स का आर्काइव था ये कैटेगरीज का था उससे पहले हमने एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट का आर्काइव बिल्ड किया था और और ये मैंने क्लोज़ कर दिया इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसे अभी क्लोज़ करने का फ़ायदा नहीं था हाँ तो यहाँ हम फिर ट्राई इट नाउ करेंगे और आर्काइव पे आएंगे यहाँ ऐड न्यू अच्छा ये जो एक और आरक हमने बिल्ड किया था अनफॉर्चुनेटली उसका मैं नाम भी सही नहीं दे सका तो उसको मैंने नाम अपनी मर्जी का देना है मैं उसे एलिमेंट और कर लेता हूँ हमने टैग्स का जो आर्काइव बिल्ड किया था वो है इस दौरान ये नया आर्काइव भी जो हम बिल्ड करना चाहते हैं वो एलिमेंटर में ओपन हो गया है सबसे पहले हम इसे पब्लिश करते हुए इसकी डिस्प्ले कंडीशंस में आते हैं और यहाँ देखें पहले पोस्ट आर्काइव में हमारे पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद थे अब यहाँ ब्रांड्स आर्काइव की भी ऑप्शन आ गई क्योंकि पहले हमारी सिर्फ एक पोस्ट टाइप पोस्ट थी अब एक कस्टम पोस्ट टाइप ब्रांड्स आ गया जिसमें हमने आर्काइव को इनेबल रखा है ब्रांड्स आर्काइव के तौर पे हम यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे इंक्लूड में इसे मैंने सेव एंड क्लोज कर लिया यहाँ ऑल पोस्टैक्ड आर्काइव की जगह सॉरी ऑल पोस्ट टैग्ड की टर्म की जगह मैं ऑल कंटेंट टैग्ड लिखूंगा क्योंकि ये जो टैग्स हैं ये सिर्फ पोस्ट्स पे अब नहीं अप्लाई होंगे ये अब अप्लाई होंगे पोस्ट्स पे भी और ब्रांड्स पे भी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल कॉन्टेंट टैग्ड आर्काइव्स लाइक अगर ये हम गेमिंग uh, के टैग का आर्काइव व्यू हैं तो उसमें ना सिर्फ वो पोस्ट जिन पे गेमिंग का टैग अप्लाई हुआ है बल्कि वो ब्रांड्स भी जिन पे गेमिंग का टैग अप्लाई हुआ है वो सारे के सारे इस लिस्ट में शो होंगे और कैटेगरीज में ऐसा नहीं होगा कैटेगरीज चूंकि सिर्फ पोस्ट की हैं इसलिए यहाँ ऑल पोस्ट कैटेगराइज आर्काइव्स की टर्म ही ठीक है आर्काइव्स जो है ना ये यहाँ प्लेस होल्डर है इसमें जो भी इस वक्त हम आर्काइव व्यू कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ जाती है जैसे ऑल पोस्ट कैटेगराइज डॉक्यूमेंट्री या ऑल पोस्ट्स कैटेगराइज अफ्रीका टैग्स में भी यही होता है एनीवे anyway, इसका मैंने नाम सेट करना है टैग्स uh, और जो अभी हम नया बना रहे हैं उसका मैंने नाम सेट करना है ब्रांड्स क्योंकि ब्रांड्स का आर्काइव है टैग्स आर्काइव को हम क्लोज कर लेते हैं और कैटेगरीज आर्काइव को हम यहाँ से कॉपी करके इसके तमाम कंटेंट को यहाँ पेस्ट करते हैं ये भी कॉपी और ये भी यहाँ पे पेस्ट हम वही साइड बार अगर यहाँ रखना चाह रहे हैं अगर आप यहाँ साइड बार में मुख्तलिफ विज़िट्स दिखाना चाह रहे हैं जो ब्रांड से ज़्यादा रेलिवेंट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और यहाँ ये जो लिस्टिंग है अब इस लिस्टिंग में हमने बेसिकली ब्रांड्स की अगर डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ब्रांड्स में मुझे ऑथर और डेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ ब्रांड का लोगो और नीचे ब्रांड का टाइटल वो काफ़ी है तो वो करते हैं और अब हम ब्रांड्स को आके रिफ़्रेश करके देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट सोनी और निन्टेंडो इसके इमेज़ का लेआउट हमें अभी सेट करना है इसके लिए हम इस आर्काइव पे आते हैं और यहाँ पे हम अगर मैं आपको रेशो चेंज करके दिखाऊं तो भी देखें मसला होगा क्योंकि ये इमेज़ेस जो हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं हर कंपनी का लोगो मुख्तलिफ साइज़ का होता है उसके लिए दो हल हैं या तो ये कि आप लोगो अपलोड ही ऐसी डाइमेंशंस में करें जो आपको बिल्कुल ज़रूरत है और दूसरा तरीका मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो पहले तरीके में आप लोगो लेंगे उसे एक फ़िक्स डायमेंशनस के इमेज के साइज़ में सेव करेंगे यानी जो इमेज फाइल आप बनाएंगे वो बिल्कुल लोगों की एज टू एज फाइल नहीं होगी उसमें लोगों के इर्द गिर्द स्पेस होगी और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा और वो जितने भी लोगो फाइल्स हैं आप उसी बिड़थ और हाइट की बनाएंगे जिनमें इर्द गिर्द स्पेस है और सेंटर में सबके लोगोस हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते साइज़ के उसमें फिर ये आपको ये टेंशन नहीं होगी आप यहाँ पर इमेज की रेशो वही सेलेक्ट करें जो आपके उन लोगो इमेज़ की रेशो है लेकिन अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं कस्टम सी इस्तेमाल करके भी इस इशू को टैकल कर सकता हूँ मैंने इमेज रेशो को कम्प्लीटली रिमूव कर देना है ताकि इमेज रेशो यहाँ पर सिरे से हो ही ना और एडवांस्ड में आके कस्टम सी में आना है और मैंने कुछ कस्टम सी इसके लिए ऑलरेडी लिख ली थी इसमें एलिमेंटर पोस्ट थंबनेल ये जो पोस्ट का थंबनेल इमेज है उस क्लास को मैं टारगेट कर रहा हूँ उसकी मिनिमम हाइट में 150 पिक्सल रख रहा हूँ उसकी डिस्प्ले में फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ ये फ्लेक्स जो है फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होती है सी एस एस का फ्लेक्स बॉक्स लेआउट है तो उसके अंदर अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर ये कर रहा हूँ ये चीज़ें आप बाद में सीख लेंगे आप सी एस एस स्टडी करें तो आपको इनकी डिटेल ज़्यादा पता चल जाएंगी अब आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें कितने खूबसूरती से ये इमेजेस अलाइन हो गए और हमारे ब्रांड्स का ये आर्काइव जो है ये बड़ा मज़े का प्रिपेयर हो गया ऊपर ऑल पोस्ट कैटेगराइज्ड ब्रांड्स आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं इसे सॉरी यहाँ पे इसे मैं हेडिंग विज़िट से रिप्लेस कर दूँगा और वो हेडिंग होगी ब्रांड्स और इस हेडिंग विजिट पे मैं इसी आर्काइव विजिट की सारी स्टाइलिंग पेस्ट कर दूँगा एंड लास्टली इसका साइज मैं एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट कर लूँगा और ये हो जाएगा डिलीट अच्छा अब हमने और क्या करना है ये ब्रांड्स का हाँ इसका हम ये बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर लेते हैं ब्रांड्स के लिए मेरे पास बड़ा परफेक्ट बैकग्राउंड इमेज मौजूद है यस yes. स्टाइल में आऊँगा यहाँ इस इमेज की जगह मेरे पास एक ब्रांड uh, से भरा हुआ इमेज मौजूद है वो मैं यूज़ करूँगा इस इमेज में है ही सारे ब्रांड्स uh, ये कवर की जगह डिफॉल्ट क्योंकि मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ इसमें रिपीट में रिपीट और सेंटर सेंटर ठीक है अटैचमेंट इसकी स्क्रॉल की जगह डिफॉल्ट या इनफेक्ट स्क्रॉल भी कर सकते हैं हम कंसिस्टेंसी यूज़ करें हर जगह स्क्रॉल ही यूज़ करें अब हम आके ब्रांड्स को रिफ्रेश करके देखते हैं और ये हमारा ब्रांड्स का आर्काइव बड़े ख़ूबसूरत तरीके से बिल्ड हो गया है इसमें हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो तमाम के तमाम उसी तरह से लिस्टेड आ जाएंगे और अगर आपके हर लोगों में ब्रांड का नाम है तो आप इसके नीचे से टाइटल को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ लोगों ही ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों में ब्रांड का नाम मौजूद नहीं होता जैसे नाइकी का लोगो है उसमें सिर्फ टिक है और एप्पल का लोगो है उसमें सिर्फ सेब बना हुआ है उसमें नीचे नाम लिखते नादन बेहतर रहता है तो ये हमारा एक ब्रांड्स का आर्काइव बन गया अब अगर हमने ब्रांड्स की कैटेगरीज़ का भी आर्काइव बनाना है तो हम एक दफ़ा फिर थीम बिल्डर को एक नए टैब में ओपन करते हैं क्योंकि ये टैब मैं चाहता हूँ कि वर्ड का बैक एंड वाला एक सेक्शन वो ओपन रहे डिफॉल्ट और यहाँ फिर ट्राई नाउ करते हैं अब हम फिर से आर्काइव पे आते हैं और एड न्यू करते हैं ये जो नया आर्काइव हम ऐड कर रहे हैं ये ब्रांड कैटेगरीज के लिए होगा इसमें भी हम यही कैटेगरीज के आर्काइव को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं Items को और ऑल पोस्ट कैटेगराइज की जगह यहां हम ऑल ब्रांड कैटेगराइज भी बैकग्राउंड में वही रख लेता हूँ इस सेक्शन से स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ तो ये इसका टॉप वाला एरिया हो गया अब इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो फिलहाल हम एज़ इट इज़ वही डाल देते हैं लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ आप इन बाकी चीज़ों को भी डिफरेंट आर्काइव्स के लिए चेंज चाहें तो कर सकते हैं अब हम ब्रांड्स की कोई कैटेगरी देखते हैं हमने अपने वर्डप्रेस एडमिन में ब्रांड की कौन कौन सी कैटेगरीज डिफाइन की थी सी फिलहाल प्ले डिफ़ाइन की थी सो प्ले को हम व्यू कर लेते हैं ये ब्रांड्स की प्ले कैटेगरी है और नॉर्मल प्ले कैटेगरी से डिफरेंट है अभी इस कैटेगरी में हमने आ ये जो लेट्स सी डिस्प्ले कंडीशनस हमने इस नई कैटेगरी आर्काइव में हमने अभी नहीं सेट की ऐड कंडीशंस कहते हैं इंक्लूड ब्रांड कैटेगरीज सेव एंड क्लोज अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और तो देखते हैं कि ब्रांड कैटेगरीज़ का हमारा कस्टम लेआउट यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हुआ या नहीं और सम रीज़न ये अप्लाई नहीं हो रहा डिस्प्ले कंडीशनस ब्रांड कैटेगरीज ऑल आर इनकलूडेड ओके ये इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये ब्रांड कैटेगरीज़ मैंने प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई कर दी थी एज अ टेक्सोनॉमी यस और ये प्रोडक्ट की रिलेटेड टेक्सोनी बन चुकी है इसलिए इस पर प्रोडक्ट का जो लेआउट है वो Uh, ज़्यादा प्रायोरिटी ले रहा है तो ठीक है अभी फिक्स कर लेते हैं सी पी टी यू आई में एड एडिट टेक्सोनमीज़ में चलते हैं एडिट टेक्सोनमीज़ और ये जो ब्रांड कैटेगरीज थी इसे मैं प्रोडक्ट्स पे नहीं अप्लाई करता ये सिर्फ ब्रांड्स के लिए ही रखता हूँ और अब आके इसे रिफ्रेश करते हैं तो अब ये प्रोडक्ट से डीलिंक हो चुकी है इसलिए अब ये हम इसे ब्रांड कैटेगरी के तौर पे डिस्प्ले कर रहे हैं वर्ड uh, में जो कई प्रायोरिटी वाले कॉन्टेंट टाइप्स होते हैं उनमें जैसे पोस्ट है और आ, उसके अलावा वो है प्रोडक्ट्स हैं और पेजेस हैं तो उनके कई दफ़ा स्टाइलिंग जो है या उनके कुछ फीचर्स वो आपके कस्टम कंटेंट टाइप जो आपने ख़ुद ऐड किए हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेते हैं ये कभी कभी ऐसा होता है जिसे हमें डील करना पड़ता है अच्छा अब हम यहाँ पे जो जो करना चाहते थे इस आर्काइव के लिए वो तो हमने कर लिया तो आर्काइव्स बनाने का तरीका आपको पता चल गया है कि किसी भी डिफॉल्ट कंटेंट टाइप जैसे पोस्ट कस्टम कंटेंट टाइप जैसे ब्रांड्स और डिफॉल्ट कंटेंट टाइप की टेक्सॉनमीज जैसे कैटेगरीज़ और टैग्स या कस्टम कंटेंट टाइप के टिक्सोमीज जैसे अभी हमने ये ब्रांड कैटेगरीज यहाँ पे ऐड की उनका जो आर्काइव लेआउट है वो हम कैसे बनाते हैं अब हम चेक करेंगे कि इन्हीं कंटेंट टाइप्स का सिंगल लेआउट इन्हीं पोस्ट टाइप्स का सिंगल लेआउट हम कैसे बनाते हैं तो इस आर्काइव वाले को मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से भी मैं इन्हें क्लोज कर लेता हूँ इन टेम्पलेट्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं रही अब मैं अपने थीम बिल्डर में ही वापस आऊँगा और जैसे हम आर्काइव टेम्पलेट्स बनाते रहे उप्स ये एक में नाम इसका चेंज करना फिर भूल गया तो ये होगा ब्रांड कैटेगरीज़ यस तो इसी तरह खैर हम यहाँ पे साथ में दोबारा से थीम बिल्डर ओपन कर लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम पोस्ट सिंगल को कस्टमाइज़ करेंगे फ्रंट एंड पे भी मैं एक सिंगल पोस्ट ओपन कर लेता हूँ कोई सी भी यहाँ हम एड न्यू सिंगल पोस्ट सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं इसमें भी आपके पास यहाँ सिंगल पोस्ट के बहुत से लेआउट्स एलिमेंटर ने पहले से क्रिएट करके आपके लिए मुहैया किए हुए हैं जिनमें से कोई भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत खूबसूरत लेआउट्स हैं इनमें काफ़ी तो अगर आपको ख़ुद से फ्रॉम स्क्रैच बनाने की ज़रूरत नहीं है आप इनमें से कोई इस्तेमाल कर लें मैं इस साइट के लिए फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल से रिलेटेड वो तमाम आइटम्स मौजूद हैं डायनामिक कंटेंट वाले आइटम्स जिन्हें इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे पोस्ट टाइटल पोस्ट एक्सेप्ट डायनामिक कंटेंट वाले आइटम एज इन के ये पोस्ट टाइटल आप यहाँ टाइप नहीं करेंगे ये जब इस सिंगल uh, आर्काइव वाली पोस्ट जो हमने इसकी डिस्प्ले कंडीशन में सेट की है वो पहले देख लेते हैं एड कंडीशन ऑल सिंगलर इसका मतलब है कि जितने भी वर्ल्ड प्रेस में सिंगुलर टाइप के कॉन्टेंट हैं सिंगल पोस्ट सिंगल प्रोडक्ट सिंगल ब्रांड अगर हमने कस्टम ऐड किया हुआ है अगर हमारा एक प्लगन है इवेंट्स का तो वो सिंगल इवेंट्स ऐड करेगा उन तमाम पे ये टेम्पलेट अप्लाई होगा लेकिन मैं ये नहीं चाहता मैं सिर्फ पोस्ट पे चाहता हूँ तो मैं पोस्ट्स के अंदर आके पोस्ट सेलेक्ट कर लूँगा पोस्ट सेक्शन में आके पोस्ट्स अगर ये मैंने पेजेस के लिए बनाना होता तो मैं पेज सिलेक्शन में आके पेजेस सेलेक्ट कर लेता ब्रांड्स के लिए बनाना होता तो ब्रांड सेक्शन में आके ब्रांड्स सेलेक्ट कर लेता uh, मुझे अभी फ़िलहाल ये पोस्ट्स के लिए बनाना है तो मैं पोस्ट सेलेक्ट कर लूँगा और ऑल हम ये भी कर सकते हैं कि एक कैटेगरी की पोस्ट्स डिफरेंट टैम्पलेट से डिस्प्ले हों एक और कैटेगरी की पोस्ट है उन पर मुकम्मल तौर पर मुख्तफ डिज़ाइन और टैम्पलेट अप्लाई हो जिस तरह अगर आप चाहते हैं आपकी साइट पर जो प्ले का सेक्शन है उसमें बड़ा गेमिंग टाइप का डिज़ाइन हो और जो फूड का सेक्शन है उसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की साइड टाइप का डिज़ाइन चल रहा हो एक साइट में ही आप हर सेक्शन को एक डिफरेंट डिज़ाइन से सेटअप करना चाहते हैं आ, ड्राइव के सेक्शन में बड़ा कार थीम्ड डिज़ाइन हो तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि हर सेक्शन को आप उस सेक्शन के हिसाब से डिस्प्ले कंडीशन सेट करके हेडर्स भी मुख्तलिफ दे दें फुटस भी मुख्तलिफ दे दें दे और उसमें सिंगल और आरकाइव ले आउट्स भी मुख्तलिफ उनके बना लें ये बहुत फ्लेक्सिबल डिस्प्ले कंडीशन हैं आप इनमें से इन्हें इस्तेमाल करते हुए जो चाहें कर सकते हैं फिलहाल मुझे सिर्फ एक ही ऐसा टैंपलेट चाहिए जो तो मेरी साइट के तमाम पोस्ट पर अप्लाई हो ब्रांड्स के लिए मैं अलहदा बनाऊँगा तो मैं पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ उसमें ऑल सेव एंड क्लोज अभी सबसे पहले हम यहाँ एक सेक्शन ऐड करेंगे और उस सेक्शन में मैं ऐड करूँगा पोस्ट फीचर्ड इमेज एक्चुअली नहीं फीचर्ड इमेज मैं एज एन इमेज नहीं ऐड करूँगा एज अ बैकग्राउंड ऐड करूँगा के स्टाइल में आएंगे बैकग्राउंड क्लासिक और यहाँ पे जो डायनामिक टैग्स का लिंक है बटन है इस पर क्लिक करके पोस्ट में फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज़ हम कवर रखेंगे रिपीट में नो रिपीट अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट ठीक है चाहे तो स्क्रोल भी रख सकते हैं लेट मी चेक मैंने अपने रेफरेंस डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट रखी थी या स्क्रॉल रखी थी हाँ इसकी ही है और लास्टली पोजीशन जो है सेंटर सेंटर एंड uh, अब हम यहाँ पे बाकी कंटेंट ऐड करते हैं उसमें सबसे पहले पोस्ट का अच्छा सबसे पहले इस सेक्शन को हम एक लेआउट uh, में इसकी पैडिंग सेट कर लेते हैं जो लाज ठीक रहेगी हाँ इस मकसद के लिए लाज ठीक रहेगी और यहाँ हम ऐड करेंगे पोस्ट uh, का टाइटल इसकी अलाइनमेंट हम रख लेते हैं सेंटर और इनफैक्ट इससे हम सेंटर करने की जगह इसकी पोजीशनिंग करते हैं इसमें वर्थ हम सेट कर देते हैं इसकी कस्टम uh, और वो विर्थ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए लेट्स से फोर हंड्रेड पिक्सल्स नहीं बहुत कम हो जाएगी सिक्स फोर्टी पिक्सल्स ठीक है और हाँ अलाइनमेंट सेंटर की जगह हम डिफॉल्ट uh, ही रखते हैं और इसे हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं एडवांस uh, में आके बैकग्राउंड में क्लासिक और ब्लैंक और व्हाट एल्स एक और चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं लेट्स सी हाँ इसकी स्टाइलिंग मैं टाइपोग्राफ़ी में चाहता हूँ इसकी सबसे लार्ज हो बल्कि टाइपोग्राफी को रीसेट करते हैं ये हेडिंग साइजेस हैं ना हमारे पास यस तो एच वन में इसका डिफ़ॉल्ट की जगह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज हो परफेक्ट और इसके अलावा लेट्स सी व्हाट एल्स टू डू इसके ऊपर इसके नीचे हम पोस्ट का मेटा ऐड करते हैं आ, पोस्ट इन्फो यस yes. पोस्ट इन्फो में हम ऑथर दिखा लेते हैं उसके साथ डेट और टाइम की नहीं ज़रूरत कमेंट्स ठीक है ये आइटम्स फ़िलहाल काफ़ी हैं अब इसकी स्टाइलिंग पे आ जाते हैं और इसमें टेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट की टाइपोग्राफ़ी हम रख लेते हैं एक्सेंट या एक्सेंट लाज रख लेते हैं एक्सेंट yes. लाज थोड़ा बेहतर लगेगा और इसे हम आ, इसकी कलरेशन भी हमने चेंज करनी है सो टेक्स्ट का कलर हम सेट कर लेते हैं ब्लैक जो रेगुलर प्राइमरी कलर है इनफैक्ट नहीं टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से नहीं ये हम इस सेक्शन लेवल पे कलरेशन हम सेट करते हैं स्टाइल में आके टाइपोग्राफी और टेक्स्ट कलर इसमें सॉरी लिंक कलर जो है वो होना चाहिए वैसे प्राइमरी और हवर करने पे वो लिंक कलर हो जाना चाहिए एक्सेंट और हाँ इस टाइटल को हम लिंक करते हैं तो इसका लिंक डायनामिक टैग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पोस्ट यू आर एल हम सेलेक्ट कर लेंगे अब ये लिंक बन गया और इस पर हवर करने पे लिंक का कलर आ रहा है यहाँ पे हवर करने पे थोड़ा शोर है सो इसमें हम देखते हैं लिंक uh, है ठीक है डेट भी लिंक है ऑथर भी लिंक है अपडेट करके हम फ्रंट एंड पे चेक करते हैं और इसकी टाइपोग्राफी हमने नहीं सेट की जस्ट अ सेकेंड टेक्स्ट हाँ इसकी इसका टेक्स्ट कलर रीसेट करते हैं और मैंने गलती से टाइपोग्राफी रीसेट कर दी थी मुझे टेक्स्ट कलर रीसेंट कर रीसेट uh, करना था एक्सेंट लार्ज टाइपोग्राफी ठीक है एडवांस में इसकी हम पैडिंग दे देते हैं लेट्स सी स्टाइल में पैडिंग है स्पेस बिटवीन तो है कंटेंट uh, में पैडिंग नहीं अच्छा एडवांस में हम पैडिंग दे देते हैं ऊपर नीचे की सिर्फ हमें पैडिंग देनी है जो सॉरी uh, सिर्फ ऊपर की आई थिंक ट्वेंटी पिक्सल्स काफ़ी है और इसका भी हम इसकी भी जो पोजिशनिंग है वो इनलाइन ऑटो रख लेते हैं uh, अच्छा उसका एक नुकसान होगा कि इसी सेम लाइन पे आ जाएगी उसके लिए हम बीच में एक स्पेसर डाल सकते हैं इन दोनों के बीच में हम अगर स्पेसर डाल दें तो वो स्पेसर इन दो को सेपरेट कर लेगा और फिर एक्चुअली इसकी हमें यहाँ पैडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो इनमें स्पेस जो है वो स्पेसर डाल रहा है अब उस स्पेसर की हाइट को मैं फिफ्टी की जगह टेन रख लेता हूँ ठीक है छोटा सा स्पेसर है और उसके नीचे ये अगला कंटेंट आ रहा है और चूंकि हम यहाँ स्पेसर इस इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें इस कॉलम के लिए विजेट्स के बीच में जो स्पेसिंग ट्वेंटी पिक्सल की डिफ़ॉल्ट आ रही है उसे हम इनफैक्ट ज़ीरो कर देते हैं और वो ट्वेंटी पिक्सल स्पेसर के जरिए ही दे देते हैं ये बेहतर रहेगा अपडेट और अब इसे हम एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं इसे भी मैं चाहता हूँ वाइट बैकग्राउंड दे दूँ ताकि वाइट बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी है वाइट या कोई ऐसा और बैकग्राउंड क्योंकि कोई इमेजेस होंगे जो बहुत लाइट होंगे बैकग्राउंड वाले कोई इमेजेस होंगे जो बहुत डार्क होंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस टेक्स्ट का एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड हो और हाँ इसे पैडिंग देनी ही पड़ेगी एडवांस में आके हम टेन पिक्सल्स ऑल अराउंड इसे पैडिंग दे देते हैं यस दिस लुक्स एक्सेलेंट आई थिंक अपडेट करते हैं इसे भी हम कुछ पैडिंग दे देते हैं टेन पिक्सल्स ऑल अराउंड अपडेट कर लेते हैं एंड ये हमारा हेडर सेटअप हो गया है पोस्ट का सिंगल पोस्ट का ये वाइट बहुत ब्लॉकी सा लग रहा है उतना मज़ा नहीं आ रहा है इसका मुझे शायद इस तरह के टाइटल्स को स्टाइल करने के लिए कस्टम सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़े इनफैक्ट Uh, मैं अभी कर लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो टेक्स्ट है उसके इर्द गिर्द एक वाइट बैकग्राउंड हो इस पूरे ब्लॉक के इर्द गिर्द वाइट बैकग्राउंड ना हो तो उसके लिए मैंने कुछ सी एस एस ऑलरेडी जब मैं ये कस्टम लेआउट बिल्ड कर रहा था अपने रेफरेंस डिज़ाइन में तो सेटअप की थी वो मैं कॉपी करके ग्लोबल लेवल पे पेस्ट करूँगा और आपको सी एस एस की क्लासिस के ज़रिए सी एस एस अप्लाई करने का तरीका भी सिखा दूँगा सी uh, एस लिखना आपको ना भी आता हो लेकिन आपको कहीं से सी मिली है या किसी ने आपकी हेल्प करके आपको सी एस सजेस्ट किया है कोई uh, काम में यूज़ करने के लिए तो आप उसे एलिमेंटर में अप्लाई कर सकें उसका कुछ बेसिक्स आपको बता दूंगा लेकिन ये मत सोचिएगा कि इससे आप सी एस एस से सीख जाएंगे सी सीखने के लिए आपको अलहदा से मेहनत करनी पड़ेगी एच डी एम एल और जावा सीखने के लिए वो ऑप्शनल है चाहें तो करें अगर आप इन विजुल टूल से ही काम कर सकते हैं तो वो आपको सीखने की शायद ज़रूरत ना भी पड़े एनीवे anyway, मैं वो सी अभी कॉपी कर लेता हूँ वो सी सेटअप करने के लिए मैं साइट सेटिंग्स पे आऊँगा यहाँ कस्टम सी में मैं वो सी पेस्ट करूँगा वो सी बेसिकली उसमें मैंने दो क्लासेस डिफ़ाइन किए हैं सॉरी एक क्लास डिफ़ाइन किया फैंसी टाइटल फैंसी डैश टाइटल और उसमें उस टाइटल की पैडिंग और उस टाइटल के बीच में जो H1, H2, H3, H4 इनफैक्ट मैं एच फाइव एच सिक्स को भी यहाँ सेटअप कर लेता हूँ ताकि उस फैंसी टाइटल के बीच में कोई भी अगर हेडिंग है एच uh, सिक्स तक तो उस पर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए मेरी मर्जी की ये आगे उसकी सारी स्टाइलिंग है आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सारी स्टाइलिंग कॉपी कर सकते हैं अगर चाहें तो इसे मैं अपडेट करता हूँ और क्लोज़ करके वापस अपने लेआउट में जाता हूँ अपने टेम्पलेट में अब इस फैंसी टाइटल मैंने जहाँ अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करके यहाँ जो सी एस एस क्लासेज हैं इसमें मैं वो जो फैंसी डैश टाइटल की क्लास मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ वो अप्लाई कर दूँगा और फिर इसके बैकग्राउंड की मुझे ज़रूरत नहीं रही तो इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ से रीसेट करके डिसबल कर दूँगा तो अब आप देख रहे हैं कि ये फैंसी टाइटल में, में मेरी मर्जी की टाइटल के स्टाइलिंग अप्लाई होना शुरू हो गई है अब इसमें मुझे इस दस पिक्सल की पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं रही बड़ा खूबसूरत तरीके से मेरा टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और इसके नीचे इसमें ठीक है मुझे ज़रूरत है इस बैकग्राउंड की इस सेक्शन में तो ये हमारा हेडर सेटअप हो गया इनफैक्ट मैं बाद में जो मेरे कैटेगरीज के लेआउट्स थे और जो सिंगल पोस्ट के लेआउट थे उनमें भी मैंने हेडिंग में जो टाइटल रखा था ऊपर इस हेडर सेक्शन में उसके जो टाइटल रखा था जब मैं हेडर सेक्शन कहता हूँ यहाँ पे तो मेरी मुराद साइट का हेडर नहीं मेरा मुराद ये पोस्ट के अंडर जो इस पोस्ट के लिए हमने या किसी भी आर्काइव की या सिंगल के डिस्प्ले के अंदर हमने उसके लिए हेडर सेटअप किया वो है मेरी मुराद तो ये आई थिंक खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं वो ये है कि इस सेक्शन में जो कॉलम की अलाइनमेंट है वो नीचे हो यानी वर्टिकल अलाइन जो है ये बॉटम पे एक्चुअली नहीं डिफॉल्ट लेट्स सी इस सेक्शन को हमने कोई मिनिमम हाइट दी है आई थिंक नहीं दी तब नहीं हो सकता उसके लिए मिनिमम हाइट देनी पड़ती है तो लट से मैं 400 सौ पिक्सल इसे मिनिमम हाइट दे देता हूँ ये तो सॉरी कंटेंट वर्थ मैंने दे दी गलती से सेक्शन uh, की हाइट यस मिनिमम हाइट 400 सौ पिक्सल्स ठीक है और अब मैं कॉलम पोजिशन को बॉटम पे रख लेता हूँ एंड यस ये बेहतर लग रहा है इनफैक्ट अब मैं यहाँ आउटर सेक्शन पैडिंग को लार्ज की जगह मीडियम ही कर लेता हूँ इसके नीचे भी पैडिंग है थोड़ी और ऊपर ज़्यादा है और इस पैडिंग के साथ साथ ही यहाँ नीचे आ रहा है और आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ इमेज बैकग्राउंड में देखता हूँ मैंने उसका सेंटर सेंटर ही रखा था ठीक है अपडेट अब हम फ्रंट एंड पे एक दफ़ा इसे व्यू कर लेते हैं सारा कंटेंट चला जाएगा सिर्फ हेडर अभी आ जाएगा जो भी हमने सेट किया है इस uh, हेडर uh, क्या इसे टाइटल ब्लॉक कह लें सो टाइटल ब्लॉक आ गया और कंटेंट अभी नहीं है अब हम कंटेंट सेटअप करते हैं उसके लिए हम एक नया सेक्शन ऐड करेंगे अगर आप कंटेंट के साथ साइड बार चाहते हैं तो आपको ये टू कॉलम लेआउट रखना पड़ेगा अगर साइड बार नहीं चाहिए तो सिंगल कॉलम तो मैं चाहता हूँ कि साइड बार भी इसमें आ जाए इसलिए मैं इसे टू कॉलम लेआउट सेट कर लेता हूँ और इसमें मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट साइड बार नहीं दूंगा मैं चाहता हूँ कंटेंट की विट्स सिक्सटी सिक्स परसेंट रहे और साइड बार की थर्टी थ्री परसेंट और उसके लिए अभी मैं यहाँ पे पहले सेक्शन में अपने वो सारी चीज़ें ऐड करूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत है यहाँ पर uh, उसमें सबसे पहले आ जाएगा पोस्ट तो कॉन्टेंट हाँ इस सेक्शन को भी मैंने जो गलती से, से रिमूव तो नहीं कर दिया Yes, गलती से रिमूव हो गया था आ, इस सेक्शन को भी मैं यहां पे कॉलम गैप जो है वो सॉरी आउटर सेक्शन पैडिंग जो है वो मीडियम दूंगा अब इसे अपडेट करके देखते हैं हमारा कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा तो ये कंटेंट यहाँ आ गया अब बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो भी देख लेते हैं टाइटल uh, एक्सेप्ट की जरूरत नहीं है कंटेंट हो गया फीचर डेमेज हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स की जरूरत फिलहाल नहीं है ऑथर बॉक्स मैं दिखाना चाहता हूँ हर पोस्ट के नीचे उसके ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए तो ये एक मेरा ऑथर बॉक्स आ गया इसे मैं चाहूँ तो मज़ीद अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकता हूँ फिलहाल के लिए ये ठीक है हाँ इसे एक बैकग्राउंड और पैडिंग दे देते हैं पैडिंग तो इसे मैं देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल्स की और स्टाइल में आके सॉरी एडवांस में आके बैकग्राउंड दे देता हूँ इसे मैं लाइट ग्रे एंड बॉर्डर रेडियस में इसे दे देता हूँ एट पिक्सल्स नहीं बल्कि बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है ठीक है फिलहाल ये सही है ये ऑथर आ गया अब हम यहाँ पे आ, पोस्ट के कमेंट्स डाल लेते हैं इनफैक्ट कमेंट्स हम ठीक है हाँ कमेंट्स डाल लेते हैं और कमेंट्स की स्टाइलिंग भी हम करना सीखेंगे थोड़ी देर में कमेंट्स यहाँ पे आ गए इसे अब अप, अपडेट कर लेते हैं पोस्ट नेविगेशन भी डाल लेता हूँ जो नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट पे जाने में आपको आसानी से हेल्प करती है बल्कि ये ऑथर से ऊपर इनफैक्ट ऑथर से नीचे ठीक है ऑथर और कमेंट्स के बीच में ये नेविगेशन आ जाएगी अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं उस साथ में मैं आ, एक थीम बिल्डर में वापस जा के, वो साइड बार को भी कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ किसी आर्काइव में तमाम आर्काइव्स में इस्तेमाल की हुई थी ये एक आई थिंक गलती से क्रिएट हो गया था एक्स्ट्रा मेरे से एक टेम्पलेट तो इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ साथ में ट्रैश में जाके ट्रैश को एम्प्टी भी कर लेता हूँ अच्छा अब इस सिंगल का मैं नाम भी रख लेता हूँ पोस्ट जो पोस्ट का आर्काइव था उसका मैंने नाम रखा था पोस्ट्स और ये है सिंगलर पोस्ट तो लेट्स सी नाउ नाव यहाँ से मैं साइड बार के इस पूरे कॉलम ही को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इस कॉलम में मैं पहले इस कॉलम को डिलीट कर लेता हूँ यस एंड देन इस कॉलम के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद आ गया अभी फिफ्टी परसेंट आ रहा है तो मुझे एक दफ़ा इस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ स्ट्रक्चर में आके फिफ्टी फिफ्टी की जगह ये सिक्सटी सिक्स और थर्टी थ्री सेट करना पड़ेगा और अपडेट कर लेते हैं अब हम देखते हैं हमारी पोस्ट कैसी दिख रही है और ये देखें पोस्ट के साथ साइड बार भी आ गई उसमें लेटेस्ट पोस्ट आ रही हैं इंस्टाग्राम विजिट आ रहा है लेटेस्ट पोस्ट में अब ये फॉर सम रीज़न गैप आ रहा है ठीक ऐसे हम देख लेंगे जब ज़रूरत पड़ी तो फ़िलहाल भी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कोई स्टाइलिंग इसकी छोटी मोटी कॉपी नहीं हुई होगी इट डज़ेंट मैटर नॉट अ बिग डील तो यहाँ पे कमेंट्स भी आने चाहिए परफेक्टली अभी नीचे यस ऑथर नेक्स्ट और प्रीवियस उसे हम नेविगेट करके देख लेते हैं देखिए प्रीवियस पोस्ट में इसका अपना बैकग्राउंड इमेज आ रहा है फीचर uh, इमेज आ रहा है बैकग्राउंड के तौर पे और यहाँ पे इसके अपने कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों की ऑप्शंस आ रही हैं ये कमेंट बॉक्स की स्टाइलिंग हमें कुछ हद तक करनी पड़ेगी और उसका भी एक तरीका है बड़ा अच्छा हम वापस सेटिंग्स में स्टीरोड्स फॉर एलिमेंटर में आएंगे और यहाँ कमेंट्स की स्टाइलिंग का एक मॉड्यूल है उसे हम इनेबल करके चेंजेस को सेव कर लेंगे ब्रांड कैटेगरीज़ को क्लोज़ करते हैं अब यहाँ हमें इस टेम्पलेट uh, को रीलोड करना है और अब जब हम कमेंट्स के इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर इन्हें स्टाइल करने की हमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देता uh, सिर्फ यहाँ स्किन की ऑप्शन है और एक ही स्किन अवेलेबल है और कोई ख़ास इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है सो so, इसमें हम करंट पोस्ट के कमेंट दिखाना चाहते हैं किसी कस्टम पोस्ट के कॉमेंट यहाँ नहीं दिखाना चाहते ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप उस पोस्ट की जगह किसी और जगह यानी से आप होम पेज पर किसी भी वजह से किसी एक पोस्ट के कमेंट दिखाना चाह रहे हैं एक सेक्शन में तो वो आप यहाँ से वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कस्टम सेलेक्ट करने के बाद मुझे करंट पोस्ट ही का इस टेम्पलेट में कमेंट्स का सेक्शन दिखाना है अब ये कमेंट्स जो सेक्शन आ रहा है ये हमें कमेंट्स की स्टाइलिंग आ, करना अलाउ करता है और इसमें हेडिंग का स्टाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइमरी मीडियम जो हमने साइड पार में आई थिंक प्राइमरी लार्ज सेलेक्ट किया हुआ था हाँ तो इसे भी मैं उसी के लेवल पे रखना चाह रहा हूँ इसलिए इसे मैं प्राइमरी मीडियम की जगह प्राइमरी लार्ज कर लेता हूँ एंड एडिंग स्टाइल इसका कलर जो है वो प्राइमरी होना चाहिए और कमेंट लिस्ट का स्टाइल उसमें यहाँ कमेंट की बॉडी की पैडिंग और उसका कोई बॉर्डर या बॉर्डर रेडियस या बैकग्राउंड और चाइल्ड कमेंट्स को पेरेंट कमेंट से कितना इंडेंट किया जाए ये चीज़ें आ जाती हैं फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही एवटाज uh, जो है उसकी स्टाइलिंग भी हम कर सकते हैं उसे शो या हाइड कर सकते हैं उसकी उसका साइज़ 40 की जगह मैं लेट्स से 80 पिक्सल्स के बड़े एवटाज दिखाना चाहता हूँ तो वो भी सेट कर सकता हूँ फिलहाल 40 ठीक है बाकी आप इन स्टाइलिंग ऑप्शन से खेल के चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या आ, चेंज करना है और यूज़र का मेटा डेटा तो वो भी आप यहाँ स्टाइल कर सकते हैं कमेंट का टेक्स्ट कमेंट के फॉर्म की हेडिंग जो यहाँ पे न्यू कमेंट का फॉर्म आता है वो मैंने चेंज करनी है यस yes, उसका साइज होना चाहिए अगेन प्राइमरी लार्ज ताकि ये कंसिस्टेंट स्टाइलिंग रहे और कमेंट्स नेव जो है आ, वो अभी दिखाई नहीं जा रही क्योंकि आ, अभी तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है कमेंट तो पोस्ट करने के बटन का जो स्टाइल है यस yes. उसमें टेक्स्ट कलर नॉर्मल जो है वो होना चाहिए वाइट और टेक्स्ट कलर अवर भी जो है वो वाइट ही होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर नॉर्मल और हावर वो भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है खैर इसे अपडेट करके फ्रंट एंड पे चेक करते हैं कि हमारी कौन सी चेंजेस अप्लाई हुई हैं और कौन सी नहीं आई थिंक ये बटन का जो कलर का इश्यू आ रहा है ये आ, शायद ग्लोबल स्टाइल्स में कोई इशू है वो मैं देख लूँगा बाद में फ़िलहाल इस पर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल इट्स लुकिंग ग्रेट आई थिंक ये छोटे मोटे ट्वीक्स हैं ये हम इनफैक्ट तमाम ये बाकी लेसन करने के बाद एक लेसन सेट करेंगे जिसमें हमारा काम ही सिर्फ और सिर्फ माइनर ट्वीक्स करना होगा ताकि जो छोटे मोटे इशूज़ आ रहे हैं उन्हें हम उस लेसन में रिजॉल्व कर लें ओवरऑल आई लाइक हाउ इट अपियर्स और यह था एक पोस्ट uh, का सिंगल ले आउट अभी हम एक कस्टम पोस्ट टाइप का भी सिंगल लेआउट बिल्ड कर लेते हैं ताकि आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपरली दी जाए अगेन so, हम टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में आएंगे एड न्यू सिंगल पोस्ट ही हम करेंगे क्योंकि कस्टम पोस्ट टाइप भी होती पोस्ट से मिलती जुलती है इसलिए हम यहाँ सिंगल पोस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी डिस्प्ले कंडीशंस में हम ऑल सिंगलर की जगह ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे ऑल ब्रांड्स सेव एंड क्लोज यहाँ सबसे पहले तो मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ टू कॉलम्स का और इसमें मैं इसका जो आउटर सेक्शन पैरिंग है वो मीडियम ही रख लेता हूँ एक कॉलम में मैं फीचर्ड इमेज डाल लूँगा दूसरे कॉलम अच्छा इसकी वैल्यू जो है वो हम सेवन सिक्स एट रख लेते हैं दूसरे कॉलम में मैं पोस्ट का टाइटल डाल लेता हूँ और इसका साइज जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज सेट कर देते हैं और साथ में मैं पोस्ट का कंटेंट भी यहीं पे डाल लेता हूँ इसे अपडेट करते हैं यहाँ ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट का दिखा रहा है लेकिन हम अगर चाहते हैं प्रीव्यू ब्रांड का दिखाए तो हम यहाँ इस सेटिंग्स में प्रीव्यू सेटिंग्स में आएंगे यहाँ कंटेंट टाइप में ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और ऑल की जगह कोई भी ब्रांड जो हमने ऐड किया हो लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वो सर्च करके अप्लाई एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो वो यहाँ आपको टेम्पलेट बिल्ड करते वक्त जो प्रिव्यू आ, के तौर पर डेटा आ रहा है वो एक्चुअली एक ब्रांड से ही ले दिखाना शुरू कर देगा तो ये देखें हमारे पास लोगो आ गया टाइटल आ गया और नीचे उसका जो थोड़ा सा हमने कंटेंट डाला था वो आ गया अब मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग सेट कर लेता हूँ इन तमाम चीज़ों की तो आ, वर्टिकल अलाइन जो है वो मिडल होना चाहिए सब कुछ और इस कॉलम में भी जो कंटेंट अलाइन है खैर उसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है लोगों की वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल हो गई अब हम किसी ब्रांड को व्यू करते हैं सिंगल ब्रांड को सोनी को व्यू कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट तो हमने वहाँ प्रीव्यू में देख लिया वही चीज़ें सोनी पे भी अप्लाई होनी चाहिए तो ये देखें लोगो आ गया और यहाँ ब्रांड का टाइटल और नीचे ब्रांड का कंटेंट तो इसमें ये स्टाइलिंग को इतनी ख़ास परफेक्ट मुझे नहीं लग रही लेकिन आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से हम ये स्टाइलिंग बिल्ड कर सकते हैं मैं इस पर कुछ फ्यूचर में काम करूँगा फिलहाल ये ब्रांड्स का सेक्शन मैंने आपको मेनली अभी दिखाने के लिए डाला है कि अगर मल्टीपल कॉन्टेंट टाइप्स हों पोस्ट के अलावा कस्टम कॉन्टेंट टाइप्स हों उन्हें हम किस तरह से सिंगल uh, और आर्काइव लेआउट्स उनके बिल्ड कर सकते हैं तो इसे मैं रिफाइन फ्यूचर में करता रहूँगा फ़िलहाल के लिए काफ़ी है और इसमें ब्रांड्स के लिए हमने कमेंट्स वगैरह इनेबल नहीं किए हुए उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है साइड बार की भी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐड कर लूँगा मैं चाहूँ तो इस ब्रांड से एसोसिएटेड जितने भी और कंटेंट टाइप्स हैं वो इसके नीचे दिखा सकता हूँ वो भी देख लेते हैं लेट्स से मैं यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेड ऐड करता हूँ एक और सेक्शन में हाँ अगर आप विजिट इस इस वाले आ, एरिया में ड्रॉप करते हैं तो ये एक सेक्शन ऑटोमेटिकली बना लेगा और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ तीन पोस्ट शो करना चाहता हूँ और ये ब्रांड जो है उससे रिलेटेड कंटेंट अच्छा हमने ब्रांड्स पे टैग्स भी लगाए थे सो हम टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं यस तो यहाँ हम चाहते हैं कि वो कंटेंट शो हो जिसका टैग इस ब्रांड के टैग के साथ शेयर्ड हो तो यहाँ क्वेरी में आ जाते हैं यहाँ पोस्ट की जगह हम सिलेक्ट करेंगे रिलेटेड और रिलेटेड में इंक्लूड बाय हम कर लेते हैं टर्म और वो टर्म किस टाइप की टर्म होनी चाहिए टैग्स यानी यहाँ वो पोस्ट होनी चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ टैग्स के जरिए रिलेटेड हैं यानी उस कंटेंट पे वही टैग्स हैं जो इस वक्त व्यू होते हुए ब्रांड पे टैग्स हैं तो अब हम आके सोनी को रिफ्रेश करते हैं सोनी को जो हमने टैग्स दिए थे वही टैग्स माइक्रोसॉफ्ट और निंटेंडो को भी दिए गए थे तो नीचे उनकी ग्रेड आ रही है अच्छा इस ग्रेड की स्टाइलिंग अगर हमने चेंज करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं अच्छा उसके लिए मैंने जो ब्रांड्स का पहले आर्काइव बनाया था उससे एक दफ़ा हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं उससे मैंने जो कस्टम सी एस एस अप्लाई की थी वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो यहाँ पे इस ग्रेड पे भी हम पेस्ट कर सकें ये सिलेक्ट किया यहाँ इसके कस्टम सी एस एस में आ गए यही कॉपी की और यहाँ इस ग्रिड में आई थिंक लेआउट में हमें ये इमेज रेशो रिमूव करनी है और एडवांस में आके ये सी एस एस पेस्ट करनी है और बाकी कंटेंट में हमने जो गैर ज़रूरी आइटम्स हैं उन्हें डिसेबल कर देना है डेट कमेंट्स रीड मोर वगैरह वगैरह तो ये अब रिलेटेड ब्रांड्स दिखाना शुरू हो गया है बाकी आ, इस सेक्शन की भी हम स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और लास्टली यहाँ टाइटल की जो पोजीशन है वो बल्कि इन तमाम की पोजीशन सेंटर्ड होनी चाहिए परफेक्ट अब हम फ्रंट एंड पे सोनी को रिफ़्रेश करते हैं देखे नीचे ये माइक्रोसॉफ्ट और एंडो रिलेटेड में आ रहे हैं यहाँ हम रिलेटेड केक हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं रिलेटेड रिलेटेड ब्रांड्स भी आप लिख सकते हैं चाहें तो मेरे लिए फिलहाल जस्ट रिलेटेड ठीक है और डिफॉल्ट की जगह आई थिंक लार्ज साइज हम यूज कर रहे हैं यस yes. अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ब्रांड्स का लेआउट फ़िलहाल बिल्ड कर रहा हूँ मैंने एक्चुअल जो ब्रांड्स का लेआउट है वो अभी तक यहाँ डिसाइड नहीं किया कि इस साइट पे क्या होगा और आया ब्रांड्स का एक कंटेंट टाइप यहाँ पे रहेगा भी या नहीं इसके कुछ और चीज़ें भी मैंने डिसाइड करनी है बहरहाल इससे आपको ये पता चल गया कि आप सिंगल कॉन्टेंट टाइप जो है वो पोस्ट के अलावा उसे भी किस तरह सेट कर सकते हैं उसके लेआउट्स को भी बिल्ड कर सकते हैं अच्छा यहाँ मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है बल्कि दो चीज़ें ऐड करनी है एक तो कैटेगरी उसके लिए मैं यही कॉपी करूंगा जो पोस्ट इन्फो थी और सॉरी उसे अंडू कर लेते हैं अभी ये यह, यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट करना है और इसे मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ एंड इनफैक्ट ये मुझे फुल वेट्स ही रखना चाहिए सी इसकी हम पोजीशनिंग देखते हैं अगर मैं इसे डिफॉल्ट रखूं, नहीं कस्टम ही ठीक है हमें यहाँ स्पेसर फिर से डालना पड़ेगा यस स्पेसर को कॉपी करके इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं एंड ये स्पेसर आ गया जिससे अब ये स्पेस आउट हो गया और नाउ इसमें हमें क्या चाहिए ये देखते हैं इसमें हमें ना ऑथर चाहिए ना डेट ना कॉमेंट्स में हमें चाहिए टर्म्स और टर्म हमें चाहिए कैटेगरी की और इसमें आइकन नहीं चाहिए डन हो गया और इसका स्टाइल जो है वो मैंने चेंज करना है इसका टेक्स्ट होगा

अच्छा यहाँ पे मुझे बीच में एक्चुअली ये नहीं चाहिए स्पेसर लेकिन मैंने इन दोनों को अलहदा अलहदा लाइन पे भी रखना है उसका भी एक हल है इस स्पेसर ही में इसकी वर्थ को मैं इसकी हाइट को मैं ज़ीरो कर देता हूँ और अपडेट करते हैं अब हम फ्रंट एंड पे सिंगल पोस्ट देखते हैं या मैगज़ीन पे आके कोई भी पोस्ट देख लेते हैं एक और चीज़ भी मैंने यहाँ चेंज करनी है ऐड करनी है बल्कि ब्रांड्स को अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरा फोकस वापस पोस्ट पे आ गया इस साइट का प्राइमरी फ़ोकस जो है वो पोस्ट पे होगा तो ये मैंने कॉपी किया और अब नीचे पोस्ट के बाद जो है यहाँ मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कैटेगरीज़ की जगह टैग्स हो जाएगा सेपरेटेड बाई कॉमज आ रही हैं ठीक है चलेगा और इसकी स्टाइलिंग को मैं रीसेट करता हूँ एंड यहाँ इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी रीसेट कर लेते हैं टाइपोग्राफी इसकी मुझे चाहिए एक्सेंट एक्सेंट स्मॉल नहीं और यहां इससे ऊपर मैं एक हेडिंग ऐड कर लूंगा टैग्स की एच टू बहुत हाई लेवल हेडिंग हो जाएगी एच फोर रखते हैं और इसका साइज हम रखते हैं स्मॉल या मीडियम ठीक है अपडेट और आई थिंक या दिस लुक्स गुड तुम्हारी पोस्ट के नीचे पोस्ट के टैग्स भी आ गए और ऊपर यहाँ कैटेगरी भी आ गई जो एक पोस्ट व्यू करके हम देखते हैं यस आई थिंक ये कैटेगरी का बैज बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और यहाँ नीचे टैग्स जो हैं वो भी ठीक लग रहे हैं परफेक्ट ऑथर बॉक्स भी सही है ये बटन बस लास्ट में जब मैं वो चीज़ें दोबारा से एडिट करूँगा फिक्स करूँगा तो वो बटन ये स्पेसिंग इस तरह की चीज़ें तब हम ट्वीक करते रहेंगे अभी हमने इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो हमारा फोकस हट जाएगा जो ओवरऑल मेजर डिज़ाइन बिल्ड करने पे है तो यहाँ पे हमारे इस आ, लेसन का अख्तितम होता है अगले लेसन में हम ये देखेंगे कि हम कस्टम कंटेंट लिस्टिंग ग्रिड्स कैसे बनाते हैं